शराब की लत बहुत ही खराब होती है। ये घरेलू हिंसा और परिवार के बीच आपसी फूट का कारण ही नहीं बनती, बल्कि कभी कभी इंसान एक दूसरे की जान लेने पर अमादा हो जाता है। तभी तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक शराबी युवक को 10 रुपए कम पड़ने पर शराब ना देना सेल्समैन को भारी पड़ गया। युवक ने सेल्समैन की दुकान पर आग लगा दी, जिससे सेल्समैन बुरी तरह से झुलस गया। आनन फानन में उसे CHC में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि मामला जिले के बरखेड़ा थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के दौलतपुर रोड पर एक शराब की दुकान है। दुकान पर बिलसंडान थाना क्षेत्र निवासी राजीव सेल्समैन है। राजीव दुकान पर बीते शाम 7 बजे बैठे हुए थे, तभी बरखेड़ा थाना क्षेत्र के अधकटा गाँव निवासी शिवा शराब लेने दुकान पहुँच गया। शिवा ने शराब के लिए केवल 120 रुपए दिए, जबकि शराब की कीमत 130 रुपए थी। इस पर राजीव ने जब टोका तो शिवा बहस करने लगा। थोड़ी देर में दोनों के बीच बहस तो शांत हो गई और शिवा वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह एक CC में पेट्रोल लेकर वापस आया और राजीव की दुकान में छिड़क कर आग लगा दी। देखते ही देखते आग पूरी दुकान में फैल गई। आग लगने से दुकान पर बैठा सेल्समैन राजीव भी मामूली रूप से झुलस गया। राजीव की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने आरोपी शिवा को पकड़ लिया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर बरखेड़ा थाना अध्यक्ष उदयवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल राजीव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। राजीव की हालत स्थिर बताई जा रही है। थाना अध्यक्ष उदयवीर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।